हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन बैक माय चैनल डे नाइट क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यू जो है टीएस एलियट का लिखा हुआ फॉर्म जो है होलोमैन। तो आज होलोमैन करेंगे। बात करते हैं यहाँ पे कि स्टेट पीजीटी का सिलेबस में, साथ ही झारखंड सहायक टीचर 6 to 8 का मेंस है, उसमें ये पोएम शामिल है। तो आपको यहाँ जो झारखंड से तैयारी कर रहे हैं सहायक शिक्षक का मेंस का, जेटेट मेंस का, और जो बीपीएससी या स्टेट पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए पहला क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1। देखिए यहाँ पे होलोमैन पोयम है, आपको बता देना चाहता हूँ होलोमैन पोयम है, टी एस एलियट के द्वारा लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग डायरेक्ट एमसीक्यू करते हैं और एमसीक्यू में की ओर आते हैं, फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज नॉट ए फॉर्म फाउंड कॉमनली इन मॉडर्निस्ट, ठीक है, मॉडर्निस्ट पोएट्री। ऑप्शन है एलुजन्स और सेस्टिना, आयरनी, द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एलुजन है, आयरनी भी है और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी है, यानी आपका बी राइट, यहाँ ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी ये नहीं है। क्वेश्चन हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 आइए। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन 2 है ए टमिड रिवर। ए टमिड रिवर क्या है? तो देखिए ड्राई है, ठीक है, फॉल स्माइलिंग है, ब्लॉक्ड बाय सेंटिमेंट है, ओवरफ्लोइंग है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप लोग बता सकते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ओवरफ्लोइंग, ठीक है, ओवरफ्लोइंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड आते हैं, थर्ड क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन है वी आर द होलोमैन एंड वी आर द स्टॉप्ड मैन इज ए, यानी किस पोयम से ये दोनों लाइन लिया गया, मतलब दोनों लाइन में क्या कह रहा है, एक पैराडॉक्स है, एक नर्सरी राइम है, रेफरेंस टू द बाइबल है, यह मिलिट्री चेंट है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन यहाँ पे पैराडॉक्स दिखाया गया, यानी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 चलते हैं। क्वेश्चन 4 है आपका यहाँ, क्वेश्चन 4 देखिए। बंग एज इट इज यूज्ड इन द पोम इज एन एग्जांपल ऑफ, पहला है सैनिक डॉकी, दूसरा है एजोनेंस, तीसरा है ओनोमेटोपिया और चौथा है सिमली। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओनोमेटोपिया, यानी बंज एक सौर एक साउंड है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं क्वेश्चन फाइव देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ भी नॉट बोला है, एलुडेड टू इन द होलोमैन, होलोमैन जो पोम है। तो पहला है हार्ट ऑफ डार्कनेस, ये भी है यहाँ पे बात किया गया है। हेयर वी गो राउंड द मालबेरी बस या बुश, मालबेरी बुश। नेक्स्ट है गन पाउडर प्लॉट द वेस्टलैंड। तो यहाँ पे राइट आपका हो जाएगा, यहाँ पे वेस्टलैंड की बात नहीं की गई है, तो यानी आपका राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न आगे हम लोग चलते हैं, प्रश्न नंबर सिक्स है टी एस एलियट वाज रिएक्टिंग टू द आफ्टरमैथ ऑफ विच वार, यानी कौन सा वार के बाद जो टी एस एलियट ठीक है रिएक्टिंग कर रहे थे। तो देखिए पहला है एरोकम सिविल वार, दूसरा है सेकंड वर्ल्ड वार,
नेक्स्ट है रशियन रेवोल्यूशन और नेक्स्ट है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ डी, ठीक है, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बात किया गया। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन हमारा 7 होता है। क्वेश्चन 7 कह रहा है इन विच इन दिस पोम आई सिंबलाइज, आई जो है इस पोयम में एक आई मतलब आई का वर्णन किया गया, वो वाइज है, वो क्या है आईज, तो आईज है वो पावर है, ठीक है, केलोरो, ठीक है, केलोरो केलोरेवेंस है या सैडनेस है जजमेंट है। तो यहाँ बात किया गया है जजमेंट की, ठीक है, यानी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आइए, क्वेश्चन 8 आते हैं, तो 8 में स्पीड चलेंगे क्योंकि समय कम लेना है और जल्दी से करके समाप्त करना है। क्वेश्चन नंबर आइए 8, द मेन लैंडस्केप ऑफ द पोम इज ए फॉरेस्ट है, सिटीज है, ओशंस है, डिजर्ट है। यहाँ पे बोल रहा है कि पोयम मेन एस्केप क्या है, तो देखिए यहाँ इसका राइट हो जाता है डिजर्ट, यानी आपका डी नंबर राइट है। क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 कहता क्या है, क्वेश्चन कहता है विच इज नॉट ए टाइप ऑफ फेलियर इन द होलो मैन, ठीक है, इन द होलो मैन, होलो मैन तो आप लोग समझ रहे हो, होलो मैन जो टी एस इलियट के द्वारा लिखा गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। तो क्वेश्चन है पैरालिसिस, क्या पैरालिसिस सेकेंड इम्पोर्टेंस और थर्ड है ए मोरालिटी और नेक्स्ट है कैटास्ट्रोफी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ डी कैटास्ट्रोफी। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्वेश्चन आते हैं 10 की ओर, क्वेश्चन 10 है व्हेन इलियट रॉट द होलो मैन ही लिव्ड इन, जब इलियट ने लिखा होलो मैन पोम लिखा उस समय कहाँ रह कर लिखा था, तो देखिए न्यूयॉर्क, पेरिस, बोस्टन और लंदन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है लंदन में रहकर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन आइए 11, 11 कहता हु इज द ओल्ड गाय, ओल्ड गाय क्या है, द ओल्ड गाय, तो देखिए गायज वाकेज, ठीक है, सॉरी फॉकेज, फॉकेज एंड टी एस इलियट और नेक्स्ट है गॉड एंड कॉलिन कर्स्ट, कॉलिन कर्स्ट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्वेश्चन 12 की वाई, 12 क्वेश्चन है आपका यहाँ कि व्हाट डज द कोरस, व्हाट डज द कोरस डांस अराउंड, जो कोरस है वो डांस किसके और किसके चारों ओर जो है डांस करता है कोरस। तो देखिए बोस है इसी, और एक है माइपोल, दूसरा ट्री, तीसरा कैक्टस। तो इसका राइट हो जाएगा कैक्टस, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 13, 13 क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ द ओवरऑल टोन ऑफ द पोम, पोम का ओवरऑल टोन क्या है, तो देखिए क्विजिकल है, रैप्चरस है और डिस्पायरिंग है और इनडिफरेंट है। तो यहाँ देखते हैं आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, डिस्पायरिंग के बात किया गया, चलिए मतलब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 कहता है विच प्रेयर इज एलुडेड टू इन द पोम, तो कौन सा प्रेयर को यहाँ पे एलुडेड किया गया है, तो देखिए आवर फादर, द लॉर्ड्स प्रेयर, लॉर्ड्स प्रेयर एंड नाइस, ठीक है, नाइसिन क्रीड और हेल मैरी, हेल मैरी। तो इसका राइट क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, गॉड वॉर, लॉर्ड प्रेयर्स, ठीक है, लॉर्ड प्रेयर है प्रेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे चलते हैं 15, क्वेश्चन 15 है आपका यहाँ कि बोलता है शैडो रिप्रेजेंट, तो शैडो यहाँ इस पोयम में रिप्रेजेंट क्या करता है, एल्यूजन, डेथ, नेक्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस और द डेविल। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ हो जाता है, यहाँ डेथ को रिप्रेजेंट करता है, यानी डी हो जाएगा आपका राइट, बी, बी हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन आइए 16,
16 में कहता है द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोम इज एन एग्जांपल ऑफ, तो एंटी हीरो, एंटी क्लाइमैक्स, एंटी थेसिस और एंटी फोनी। तो आपका राइट हो जाएगा एंटी, क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा एंटी क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स यानी बी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 है, 17 इज द होलो मैन हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू, होलो मैन जो अपने एबिलिटी को खो दिया है, टू किसे देखकर, टच कर, स्मेल कर, हेयर कर। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है देखकर, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 है कि देयर आर मेनी ब्रोकन ऑब्जेक्ट्स इन द पोम, विच ऑफ दिस इज नॉट ब्रोकन। बहुत सारे ब्रोकन ऑब्जेक्ट्स इस पोयम में मेंशन किया गया, ठीक है किया गया है, इसमें से कौन जो नहीं है। तो देखिए स्टोन है, ठीक है, कैलुमीन है, स्टॉप है और ग्लास है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है स्टॉप, ठीक है, स्टॉप को नहीं किया गया, बाकी सबको तोड़ा गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन आपका आ जाता है 19। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 क्या कहता है, विच इज नॉट ए किंगडम इन द होलो मैन, यानी होलो मैन में एक किंगडम नहीं है, क्या नहीं है। तो पहला है आपका डेथ ड्रीम किंगडम, ये तो है आपका, ये भी है, और द किंगडम ऑफ हेवन, ये है कि नहीं बी वाला, और डेथ ऑफ अदर किंगडम, ये भी है, और नेक्स्ट है ट्विलाइट किंगडम, यानी आपका किंगडम ऑफ हेवन नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इन राइटिंग दिस पोएम इलियट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय अगस्टीन, ठीक है, वालेस एस्टीवेंस दांते और नेक्स्ट है विटमैन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, दांते। क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्वेश्चन 21 कहता है कि द फॉर्म ऑफ दिस पोएम, किस फॉर्म से ये जो है इस पोएम का जो फॉर्म क्या है, थ्री वर्स है, वायलेट स्टेंजा है, ब्लैंक वर्स है और हीरोइक कपलेट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे थ्री वर्स, ठीक है, ये क्या हो जाएगा थ्री वर्स। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, व्हाट डज डाई, ठीक है, ड्राइनेस रिप्रेजेंट, ड्राइनेस क्या रिप्रेजेंट करता है। देखिए ऑब्स्टी, ठीक है, ऑब्स्टिनेंस, गिल्ट, विटिनेंस और फाइथफुलनेस। तो इसका राइट हो जाएगा फाइथफुलनेस, यानी आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन आइए 23 क्या कहता है, 23 कहता है व्हाट डज द होलोनेस रिप्रेजेंट, जो होलोनेस रिप्रेजेंट क्या करता है, तो स्टूपिडिटी या स्पिरिचुअल डेथ और नेक्स्ट एंगर और लोनलीनेस। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन और एक दो होगा, और एक दो होगा, चलिए और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए 24 व्हाट रिलीजन डिड द एलियट कन्वर्टेड टू ए फ्यू इयर्स आफ्टर राइटिंग द होलोमैन, होलोमैन जो है लिखने के बाद जो है कुछ इयर्सों में वो अपने क्या रिलीजियस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ है, ठीक है, जुडाइज्म और नेक्स्ट है एंग्ल, आगे है बुद्धिज्म और कैथोलिसिज्म और नेक्स्ट है एंग्लिकनिज्म। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एंग्लिकनिज्म, यानी आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का है, क्वेश्चन नंबर देखिए व्हाट वाज द पर्पस ऑफ मॉडर्निज्म अकॉर्डिंग टू द इलियट, तो इलियट का क्या सोच था इसके अनुसार। तो देखिए क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नंबर वन है,
वन मतलब ए है द शेक, टू शेक थिंग्स ऑफ, नेक्स्ट है दिस डिस्ट्रॉय द पास्ट, और नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट और टू प्रोमोट रियलिज्म। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टू प्रोमोट रियलिज्म। ठीक है, तो आज हम लोग इतने ही रखते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट अगला पोम का एमसीक्यू करेंगे। चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन उसको प्रेस करेंगे ताकि आपको स्टेट का बीपीएससी और पीजीटी टीजीटी, साथ ही झारखंड का पीजीटी टीजीटी और साथ ही आपको सहायक टीचर का जो है होने वाला उसका एमसीक्यू प्रोवाइड करते हैं यूट्यूब के थ्रू से। और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते तो जुड़ सकते हैं, हम लिंक शेयर कर देंगे, नहीं तो कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। थैंक यू।